हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर टॉपिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ फिश या तो बायो ल्यूमिनेसेंस। जो फिश होते हैं वो सरफेस रीजन पे, मिडिल रीजन पे और डीप रीजन पे, तीनों रीजन से पाए जाते हैं किसी भी एक्वाटिक जोन के। तो हम यदि एक मेराइन की बात करें, एक समुद्र की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो फिश होते हैं वो इतने रीजन, इतने नीचे वाले रीजन से पाए जाते हैं कि वहाँ पर किसी प्रकार की लाइट जो होती है नहीं पहुँच पाती, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जोन देखते हैं, जिसे पेलेजिक जोन आता है, मेसोपेलेजिक जोन आता है, बेथेपेलेजिक जोन आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मेसोपेलेजिक जोन और जो बेथेपेलेजिक जोन आता है वहाँ पर क्या होता है कि जो लाइट जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में पहुँचता है या तो न के बराबर ही पहुँचता है। तो वहाँ पर जो फिश पाए जाते हैं उनको लोकोमोशन करने के लिए, उनको अपनी एडॉप्टेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ लाइट को अपनी बॉडी से निकालना पड़ता है ताकि वह अपने प्रीडेटर से बच सकें, साथ ही साथ अपने फूड को डिस्कवर कर सकें और अपने अपने जो जीवनचर्या है उसको लोकोमोट कर सकें। तो इसी के थ्रू पर उसमें कुछ लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं फिश में। ये मेनली पाए जाते हैं जो सी रिवर, नहीं सी जो फिश होते हैं उनमें। रिवर फिश क्या होता है, अगर रिवर की बात की जाए तो इसका जो एरियास रहता है, जो डीप रिजर्व रहता है, बहुत ही कम रहता है। उसकी जो लंबाई रहती है, जो अंदर की जो भीतरी की गहराई रहती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन जो समुद्र रहते हैं, जो बड़े बड़े समुद्र रहते हैं, यदि उनकी बात की जाए तो उनमें जो बहुत से पेलेजिक जोन पाए जाते हैं जो कि लगभग 11,000 मीटर की गहराई तक हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो फिश पाए जाते हैं उनको अपने आप में खुद लाइट प्रोड्यूस करना पड़ता है अपनी बॉडी से, जिसको हम लोग आज इस चैप्टर के थ्रू देखेंगे कि बायोल्यूमिनेसेंस या लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन फिश में कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यदि बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन या लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या ल्यूमिनस ऑर्गन की बात की जाए तो जो फिश में जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं उन्हीं को हम लोग ल्यूमिनस ऑर्गन कहते हैं, जो कि स्किन के स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के द्वारा बनते हैं। साथ ही साथ एक प्रकार से यह लाइट को प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं, जो कि वाटर में पाए जाने वाले फिश को वेरी हेल्पफुल प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ यह जो सनलाइट रहते हैं उसको पेनिट्रेट करने का भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन होता है जो मेनली फिश के बॉडी में इसके स्किन वाले पार्ट से प्रोड्यूस किए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो पार्ट रहते हैं वो डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, लेटरल साइड किसी एक एंगल्स में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो मेनली लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है वो मेराइन वाटर या सी वाटर वाले फिश में पाए जाते हैं, लेकिन यह फिश जो फ्रेश वाटर फिश रहते हैं उनमें नहीं पाया जाता, क्योंकि जो हाईली डीप वाला जो सी रीजन होता है वहाँ पर जो मेसोपेलेजिक जोन के बाद जो बेथोपेलेजिक जोन आता है उसमें किसी प्रकार की लाइट नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण अपने आप में यह खुद ही लाइट को प्रोड्यूस करते हैं जो फिश पाए जाते हैं। इसमें जो फिश आते हैं वह डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में पाए जाते हैं, साथ ही साथ यह लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को भी बनाते हैं। तो इसमें कुछ फिशेस के नाम दिए गए हैं जो कि कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि एनामोलस, केप्टोट्रॉन, साथ ही साथ फोटो ब्लेफोरॉन, ये जो होते हैं ईस्ट इंडीज में पाए जाते हैं, ये जो पूर्वी भारत होता है उस एरिया में पाए जाते हैं। तो जो हमारा एक ह्यूमन की बात की जाए तो उसकी कुछ आई की जो रचना ठीक इसी प्रकार होती है जिस प्रकार एक फिश में जो फोटोफोर्स या जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होती है वो इस प्रकार की रचना में दिखती है। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर कुछ जो लाइट होता है वो इमिट होता है अंदर की ओर। जब लाइट जो होता है वो इमिट होता है अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर, तो उसमें हम देखते हैं कि जो ये जो फोटोफोर वाला भाग होता है इसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स पाए जाने का अर्थ यह है कि वही सेल जो होते हैं
वह लाइट को बाहर की ओर प्रोड्यूस कर रहे हैं बना करके। यहाँ पर कुछ नर्व निकले हुए हैं, जिस प्रकार हमारे भी आइस में कुछ रेटिना से जुड़े हुए जो आर्टिस और वेंस रहते हैं, उसी प्रकार इसमें भी कुछ नर्व पाए जाते हैं, नर्व फाइबर पाए जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं, जो कि बाहर तरफ से जो पिगमेंटेड लेयर रहता है उससे अटैचमेंट रहते हैं। वो पिगमेंट क्या होता है, एक प्रकार का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्रोमोफोर भी कह सकते हैं, किसी प्रकार का जो पिगमेंट पाया जाता है उसमें पाया जाता है। साथ ही साथ उसके अंदर जो रिफ्लेक्टेड जोन पाया जाता है वो रिफ्लेक्टेड क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने का कार्य करता है। और यहाँ का जो मेन पार्ट जो फोटोसाइट सेल पाए जा रहे हैं, ये फोटोसाइट सेल जो यहाँ पे माइटोकांड्रिया मैट्रिक्स रीजन पे जो माइटोकांड्रिया पाया जाता है उसके द्वारा वह लाइट को जनरेट करते हैं। साथ ही साथ वह फिर से लाइट को जनरेट करने के पश्चात वह फोटोजेनिक चेम्बर में उस लाइट को पहुँचाते हैं, देन उसके बाद लेंस के थ्रू उस लाइट को क्या हो इमिट इमिट किया जाता है। और इस प्रकार जो फिश का बॉडी रहता है उसमें लाइट क्या होता है प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो एक कुछ डायग्राम था किस प्रकार से फिश के बॉडी में लाइट प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर हम नेचर देखें, जो लाइट प्रोड्यूसिंग आर्गन की जो नेचर होती है उसमें स्पेसिफिक एक सेल पाया जाता है या ग्लैंड सेल पाया जाता है जिसको फोटोफोर्स कहते हैं, जो कि बॉडी के इपिडर्मिस या स्किन रीजन से पाया जाता है। साथ ही साथ इसकी जो नंबर के आधार पर यह वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी इसमें वेरिएशन पाया जाता है। फिर यदि लोकेशन की बात की जाए तो यह फिश के बॉडी के लेटरल साइड साथ ही साथ वेंट्रल साइड पर पाया जाता है, जो कि बॉडी या हेड से। यदि हम इस डायग्राम में देखें तो हमें दिखाई दे रहा है ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग डॉर्सल रीजन बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है वे वेंट्रल रीजन कहलाता है। साथ ही साथ बीच वाला पार्ट या इसके जो साइड वाला पोर्शन रहता है इसको हम लोग लेटरल पार्ट कहते हैं। तो जो मेनली जो टॉपिक बोल रहा है यहाँ का, तो एक जो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि लेटरल और वेंट्रल साइड, बॉडी के लेटरल या वेंट्रल साइड पर जो ल्यूमिनस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ यह एक या दो रो में किसी हेड के हेड से लेकर टेल तक क्या होते हैं, फैले रहते हैं, एक्सटेंड रहते हैं, जो कि मेनली स्कोपिलस एंड हेलास सौरोपिस में देखा गया है। साथ ही साथ यह कुछ बॉडी के लिमिटेड एरिया तक भी प्रेजेंट होते हैं, यह तो यह पूरे हेड से टेल तक प्रेजेंट रहेंगे कुछ स्पीशीज में फिश के, साथ ही साथ कुछ में यह बॉडी के कुछ एरियाज तक प्रेजेंट रहेंगे। और कुछ में क्या होता है कि जो लुमिनस बार्बल्स होते हैं वह एक चैन के फॉर्म में, जो मैक्रोस्टोमियस होता है उसमें चैन के फॉर्म में पाया जाता है। और इसमें जो लार्ज या फोटोफोर्स जो फोटोफोर्स जो कि फोटोसाइट के द्वारा लाइट प्रोड्यूस करते हैं वह लार्ज फॉर्म में वह पेक्टोरल और डॉर्सल फिन में, या एंगलर फिश के जो पेक्टोरल या डॉर्सल फिन होते हैं उसके रे में यह लंबे रूप से निकले रहते हैं। तो इस प्रकार यह लाइट प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ कुछ फिशेस में क्या होता है, लेटरल लाइन भी पाया जाता है, जो लेटरल लाइन जो होता है ये वाला बीच वाला पोर्शन, जो भी एक प्रकार से लाइट प्रोड्यूसिंग आर्गन का कार्य करता है। तो इस प्रकार जो लाइट प्रोड्यूसिंग आर्गन जो होते हैं वो मेनली बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है, चाहे वो लेटरल पार्ट हो, चाहे वेंट्रल पार्ट हो, चाहे पूरे हेड से टेल तक हो, चाहे पूरा बॉडी किसी एक सर्टन पार्ट तक हो, चाहे उसकी फिर लेटरल लाइन ही क्यों ना हो। इस प्रकार जो बॉडी का जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, फिश के वेरिएशन के आधार पर वह डिफरेंट डिफरेंट फिश में अपनी अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोकेशन होता है बायोल्यूमिनेसेंस या किसी भी ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन का, वो इस प्रकार फिश में पाई जाती है। अब देखते हैं फोटोफोर। जो फोटोफोर एक प्रकार का ऑर्गन होता है, ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है, जहाँ पर कुछ ग्लैंडुलर सेल पाए जाते हैं जिसको हम लोग फोटोसाइट सेल बोलते हैं। वहीं से जो लुमिनेस ऑर्गन होते हैं, जो उसकी स्पॉट होते हैं, वह पाए जाते हैं। साथ ही साथ यह कुछ फिश में, कुछ सिफिलोपोड्स में भी पाए जाते हैं। तो ये जो ऑर्गन होता है वो एक सिंपल भी होता है, साथ ही साथ ह्यूमन के आई की तरह कॉम्प्लेक्स भी होता है। और जो इसमें लेंस पाए जाते हैं, शटर्स पाए जाते हैं, कलर फिल्टर्स पाए जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स भी पाए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे बॉडीज के जो मेंस बॉडी के जो ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो लाइट प्रोड्यूसिंग करने में हेल्प करते हैं किसी भी फिश के बॉडी में।
जो कि बायोल्यूमिनेसेंस होता है, वह जब प्रे को डाइजेस्ट करते हैं तो उस दौरान यह बॉडी के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारे बॉडीज में देखा जाए तो जो सेल्स पाए जाते हैं उसके अंदर मेनली माइटोकॉन्ड्रियस पाए जाते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियस क्या करते हैं, यह एनर्जी प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो फोटोफोर्स या जो बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन होते हैं उनको भी लाइट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल होते हैं वह एक फोटोसाइट सेल होता है जो कि लाइट प्रोड्यूसिंग के समान होता है। साथ ही साथ इसमें देखा जाए तो यह जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके सब उनके सिम्बायोटिक होते हैं। साथ ही साथ जो कल्चरल करते हैं ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें देखा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं किसी भी फोटोफोर में, फोटोसाइट के फॉर्म में। ये कुछ डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है माइटोकॉन्ड्रियल सेल को। जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल मेनली जो होता है लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जहाँ पर फोटोसाइट पिगमेंट पाया जा रहा है। जो पिगमेंट है ये क्रोमेटोफोर, वही क्रोमेटोफोर क्या होता है इसके आउटर वॉल में पाया जाता है, और वही इसके अंदर क्या होता है मैट्रिक्स भरा रहता है, और मैट्रिक्स में क्या होता है जो माइटोकॉन्ड्रियस पाए जाते हैं वह फिर लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ से जो फोटोसाइट होते हैं, जो फोटोसाइट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है वह लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वह लाइट पहले मैट्रिक्स रीजन पे आता है, देन जो रिफ्लेक्टर रीजन होता है उससे रिफ्लेक्ट होकर के जो क्रोमेटोफोर जो पिगमेंट रीजन पाया जाता है वहीं उसको कलर प्रोवाइड करता है किसी भी लाइट को, जिसके कारण जो लाइट होता है वह चमकने लगता है, और इस प्रकार जो बॉडी का जो स्किन पार्ट होता है वह चमकने लगता है और हमें लगता है कि वह फिश के बॉडी में कुछ चमक उत्पन्न हो रही है। यही उसका कारण होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फोटोफोर्स रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के। तो ये हो गया फोटोफोर के बारे में। तो जो फोटोफोर्स होता है वो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पाया जाता है। यदि इस डायग्राम को देखा जाए तो एक प्रकार से एक फ्लाई फिश है, जिसमें देखते हैं कि जो यह ऑक्टोपस की तरह, यह ऑक्टोपस ही है, जो कि इसमें देखते हैं कि इसका बॉडी क्या होता है, इसमें कुछ रेड कलर के कुछ ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन पाए जाते हैं जो कि देखने को मिलता है कि इसका बॉडी चमकता हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार जो डीप सी फिश होते हैं उनमें फोटोफोर्स जो पाए जाते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल या इम्पोर्टेंस होते हैं। साथ ही साथ जो फोटोफोर्स होते हैं वह जो कूमो फ्लैग पाए जाते हैं उसमें अट्रैक्टिंग पावर के लिए यूज किया जाता है, किसी भी प्रिडेटर से जो अट्रैक्टिंग फूड होता है उसको लेने के लिए फोटोफोर्स मेनली यूज किए जाते हैं, और यह काउंटर इल्यूमिनेशन के द्वारा होता है। इल्यूमिनेशन मतलब एक प्रकार से लाइट को एब्जॉर्ब करना तथा रिफ्लेक्ट करने की प्रोसेस होती है, लगातार होती रहती है। और कुछ सिफिलोपोड्स जैसे कि फायरफ्लाई स्क्वाइड होते हैं, स्पार्कलिंग जो इनोप होते हैं, फायरफ्लाई स्क्वाइड होते हैं, इसमें सब प्रकार के जो हमें देखने को मिलती है जो लाइट प्रोड्यूसिंग आर्गन। देन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं लुमिनेशन आर्गन क्या होता है। जो लुमिनस आर्गन होता है एक प्रकार का लाइट प्रोड्यूसिंग आर्गन होता है, जो कि किसी भी बॉडी के या किसी भी फिश की बॉडी में स्पेशलिटी पाई जाती है, जो कि बॉडी के स्किन से या बॉडी के अंदर से लाइट प्रोड्यूस करने का हेल्प करता है। साथ ही साथ यह डीप सी फिश में देखने को मिलता है, जिसमें जो सनलाइट होता है वहाँ पर नहीं पहुँच पाता या इंटर नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है वो लुमिनस ऑर्गन होता है। लेकिन यदि फ्रेश वाटर की बात की जाए तो इसमें लुमिनस ऑर्गन क्या होता है एब्सेंट होते हैं, और यह इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह फंक्शन होता है कि यह एक बायोलुमिनेसेंस ऑर्गन के रूप में फंक्शन करते हैं। और साथ ही साथ जो लुमिनस आर्गन होते हैं वह बायोलुमिनेसेंस फॉर्म में पाए जाते हैं। साथ ही साथ यह जो बायोलुमिनेसेंस या जो लुमिनेसेंस ऑर्गन होता है वह फिश के बॉडी में अपना अपना फंक्शन करता है। जिस प्रकार से फिश का बॉडी को यदि वह जो बॉडी होता है किसी प्रीडेटर से बचने के लिए कुछ
एक प्रकार से कीमोफ्लेक करता है। कीमोफ्लेक करने का अर्थ वह छल करता है ताकि वह किसी प्रीडेटर से बच सके। साथ ही साथ वह स्कूलिंग करता है। स्कूलिंग करता है मतलब दूसरों को बताता है ना। साथ ही साथ यह रिकॉग्निशन ऑफ मूवमेंट मतलब किसी प्रीडेटर के मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करने का भी कार्य करता है, जो ल्यूमिनस ऑर्गन होता है। और ये ल्यूमिनस ऑर्गन क्या होता है, एक प्रकार का स्पेशल ग्लैंड होता है जो कि इपिडर्मिस सेल पर पाए जाते हैं। साथ ही साथ यह जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुए रहता है, जो कि फिश के स्पीसीज में वेरियस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये होगा है ल्यूमिनस ऑर्गन के मीनिंग्स। देन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो हम लोग देख चुके हैं कि वह पूरे वर्ल्ड वाइड एरियाज में फैले रहते हैं, कि जो डीप सी समुद्र पाए जाते हैं उसमें पाए जाते हैं। यदि इसकी मेजोरिटी की बात की जाए तो यह बेथेपेलेजिक जोन होता है, उसके लगभग डेप्थ एरिया में पाए जाते हैं, जो मीडियम डेप्थ एरिया होता है। साथ ही साथ यह नाइट में क्या होता है, सरफेस रीजन पे माइग्रेट कर जाते हैं और अपने जो हैबिट होती है उसके अनुसार वह वहाँ पर अडाप्ट हो जाते हैं और अपनी जो फीडिंग हैबिट होती है उसको कंप्लीट करते हैं। और कुछ जो होते हैं डीपर वाटर में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब कुछ हम फिशेस के बारे में देखते हैं कि जो एफिस होते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि एक प्रकार से एंगलर फिश होता है जो कि सीरेटोइडी के फैमिली के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ कुछ लेंटर फिश होते हैं जो कि स्केल स्केली ड्रैगन फिश होते हैं, जो कि स्टोमीटोइडी के फिश मतलब फैमिली के अंदर आते हैं। साथ ही साथ लेटर्न फिशेस होते हैं जो कि एक दूसरे फैमिली के अंतर्गत आता है, जिसको मिक्टोफिडी कहते हैं। साथ ही साथ हेलो सोरिडी ईल्स आते हैं जो कि हेलो सोरिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फिश होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं और लाइट प्रोड्यूसिंग करने का कार्य करते हैं, जो कि मेनली डीप रीजन्स पे पाए जाते हैं किसी भी मेराइन या कि समुद्र के अंदर। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। तो मेनली स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोटोफोर्स को देखने को मिलती है, जिसमें जो ल्यूमिनस ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है वह उसकी एनाटॉमी, जो फोटोफोर्स की जो एनाटॉमी रहती है उसके आधार पर हमको कैटेगरीज में बांटते हैं उसको। तो जो पहला होता है सिंपल फोटोफोर। यदि सिंपल फोटोफोर्स की बात की जाए तो यह सही इसका जो सही होता है वो स्मॉल होता है। साथ ही साथ इसका जो साइज होता है वो लगभग स्मॉल होता है और इसकी जो वाइड होती है, जो चौड़ाई होती है, वो लगभग 0.1 से 0.34 mm तक होती है। और यह लाइट जनरेटिंग करने वाले जो फोटोसाइट सेल रहते हैं उसमें पाए जाते हैं, जो कि किसी भी पिगमेंट के साथ या उसके पिगमेंट के बिना भी क्या होते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। और एक प्रकार से यह लेंटिकुलर सेल कहलाते हैं, जो कि उनका सेल का ग्रुप होता है जो कि लेंस का फॉर्म करने में हेल्प करते हैं ताकि लाइट प्रोड्यूस की जा सके। तो इस प्रकार सिंपल फोटोफोर जो होते हैं एक प्रकार से ग्रुप ऑफ सेल होता है, जिसको हम लोग लेंटिकुलर सेल कहते हैं, जो कि लेंस का फॉर्म करता है, उसके बाद उसमें लाइट प्रोड्यूस किए जाते हैं। और यह जो होता है वह एसिडोफिलिक जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके साथ जो फोटोसाइट का डिस्टल पार्ट होता है उसको प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो लाइट प्रोड्यूस हो सके वो ग्रेन्यूल्स के थ्रू हो सके। साथ ही साथ यह जो मिलेनोफोर्स जो होता है, जो फोटोफोर्स के चारों ओर पाया जाता है, उसके लेयर में प्रेजेंट होते हैं। और यह फोटोफोर्स जो होता है सार्क में सिंपल टाइप से होता है, और इस्टोमियस में जो होता है ल्यूमिनेस ऑर्गन ये जो होता है वो जिलेटिनस होता है, जो कि एपिडर्मिस एरियाज में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये सिंपल फोटोफोर्स इस फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरा आता है कंपाउंड फोटोफोर। इस प्रकार का जो फोटोफोर होता है वह बहुत सारे एडिशनल स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जो कि कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। जो कंपाउंड फोटोफोर्स होते हैं इसको हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ रिफ्लेक्टर्स पाए जा रहे हैं, कुछ पिगमेंट पाए जा रहे हैं, कुछ वेंट्रल पिगमेंट पाए जा रहे हैं, कुछ पॉकेट्स पाए जा रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो एडिशनल जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टर हो गया, पिगमेंट मेंटल हो गया, सब ऑक्यूलर ऑर्गन हो गया, तो ये जितने भी डिफरेंट ऑर्गन पाए जाते हैं कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसी कारण से कंपाउंड फोटोफोर कहा गया है। जो कि एक लार्ज ऑर्गन होता है जो कि डर्मल टिश्यू, ये इपिडर्मल टिश्यू ना होकर के डर्मल टिश्यू के अंदर इम्बेडेड रहता है, मतलब उसी गहराई में धंसा रहता है। साथ ही साथ
इसमें जो अरेंजमेंट होती है फोटोसाइट सेल की, वो कॉर्ड्स एंड बैंड्स के फॉर्म में होती है, कार्ड और बैंड्स के फॉर्म में होती है। और इसमें जो फोटोजेनिक सेल होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, जो कि किसी भी टिश्यूज लेयर या किसी भी जो फोटोसाइट के जो सेल होते हैं उसके लेयर को वह ब्लड प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ कुछ सेंसर या मोटर्स नर्व पाए जाते हैं जो कि सेंसर को प्रोवाइड करते हैं। और इसके सेंटर साइड जो होता है, जो फोटोजेनिक सेल्स पाए जाते हैं उसके सेंटर साइड में एक प्रकार का फोटोफोर पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें ग्लैंडुलर सेल्स भी पाए जाते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। ये होता है कंपाउंड माइक्रो, जो कंपाउंड ल्यूमिनस ऑर्गन या फोटोफोर्स होते हैं उसके बारे में। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात की जाए तो यह विशेष करके फिश में पाए जाते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और एक प्रकार का यह मसल्स का सेट होता है जो फोटोसाइट सेल के चारों तरफ सराउंडिंग रीजन में जो मसल्स पाए जाते हैं उसे पाया जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है साथ ही साथ रिफ्लेक्ट होता है। यदि वह मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है जब, तो वो क्या करता है, आउटर सरफेस को पुल करने का कार्य करता है। जो फोटोफोर के आउटर सरफेस होते हैं उसको पुल करने का कार्य करता है, खींचने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो डाउनवर्ड जो रीजन रहता है उससे खींचने का कार्य करता है, जिसके कारण जो सरफेस होता है वह ज़्यादा क्या होता है, फैलता है और वह ब्राइटनेस हो जाता है, चमकीला हो जाता है वह रीजन। और इसी कॉन्ट्रेक्शन के कारण क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होने लगता है। साथ ही साथ इसके विपरीत देखते हैं कि जब रिलैक्स होता है मसल्स तो क्या होता है, और जो फोटोफोर्स का सरफेस होता है वह मसल जो होता है ब्राइट थिंग मतलब चमकने लगता है ना, चमकने के कारण जो एक्सपोज उत्पन्न हो जो अचानक चमकने लगता है। और इस प्रकार कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती रहती है और उसमें कुछ चमकीला कुछ लाइट प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इस प्रकार जो बहुत सारे स्पीशीज में या कुछ स्पीशीज में जो पिगमेंट होते हैं जिनके कारण जो फिश में क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस किए जाते हैं, फोटोफोर्स दिखने को मिलते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूसिंग करने में हेल्प करते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर देखें तो जो लाइट प्रोड्यूसिंग आर्गन की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो रिफ्लेक्टर पाए जाते हैं वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ पिगमेंट होते हैं जो कि रिफ्लेक्टर को घेरे हुए रहते हैं, और यही पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी लाइट को कलर प्रोवाइड करने के लिए। और यही मसल्स जो होते हैं उसको खींचने और मतलब दबाने का कार्य करते हैं। यदि वह जब खींचते हैं किसी भी मसल जब अंदर की ओर खींचते हैं तो क्या होता है, लाइट जो होता है अचानक से चमकने लगता है, फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो फिर वह एक अचानक से चमकने लगता है। इसके कारण वह ब्राइथर भी होता है, ब्राइट भी होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कॉन्ट्रैक्ट और रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूमिनस ऑर्गन। ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में हमने सिंपल फॉर्म देखा, साथ ही साथ कंपाउंड फॉर्म देखा। अब देखते हैं ल्यूमिनस ऑर्गन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इनके इल्यूमिनेशन के आधार पर देखा जाए तो इन्हें डिफरेंट पार्ट में या डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। जो पहला होता है एक्स्ट्रा सेलुलर ल्यूमिनेशंस। जो एक्स्ट्रा सेलुलर ल्यूमिनेशंस होता है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो बॉडी के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल के बाहर की ओर क्या होते हैं, चमकने लगता है या उसके बाहर की ओर प्रोसेस करता है। तो इस प्रकार का जो एक्स्ट्रा सेलुलर ल्यूमिनेसेंस होता है वह ग्लैंडुलर सेल से जो ल्यूमिनस सीक्रेट होते हैं उसके द्वारा लाइट को जनरेट करते हैं। जो ग्लैंडुलर सेल होते हैं वहाँ से यदि ल्यूमिनस जो होता है सिक्रेशन होता है उसका, जो ल्यूमिनस ऑर्गन होता है उसका सिक्रेशन होता है तो उसी कारण यह लाइट को जनरेट करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन होता है वह फिश के स्पीसीज में बहुत ही लिमिटेड पाया जाता है, जिसमें जो बहुत सारे जो फिश आते हैं जिसमें कुछ फिश में यदि देखा जाए तो इसमें रेड टेल्स फिश जो होते हैं और जो सिरसीड होते हैं यह लाइट को एक्स्ट्रा सेलुलर स्लाइम जो सीक्रेटिंग होता है उसके थ्रू या उसके द्वारा लाइट को इमिट करते हैं। साथ ही साथ यह एनस के पास जो ग्लैंड सेल पाए जाते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं और सफिशेंटली रूप से
लाइट को या स्लाइम जो रीजन्स होता है वहाँ से सिक्रेशन करते हैं किसी भी लुमिनेसेंट ऑर्गन का या किसी भी लुमिनेसेंस का। तो इस प्रकार ये जो होते हैं बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट से बॉडी का लुमिनेसेंस करते हैं या लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो अपनी जो प्रोसेस करते हैं वह डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं, जिसमें यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स दिया गया है जो कि एंजाइम और सब्सट्रेट प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का कैटेलाइज फॉर्म होता है जो किसी प्रोसेस को उत्प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है। साथ ही साथ जो सब्सट्रेट होता है वो किसी भी एंजाइम को यदि क्या होता है रिसीव करता है तो अपने आप में वह जनरेट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें अगर देखें कि लाइट प्रोड्यूस किस प्रकार से होता है, तो इसमें कुछ लूसीफरेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कि लूसीफेरिन नामक सब्सट्रेट से यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो वह एक प्रकार का लूसीफेरिन या लूसीफरेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। और यही कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होता है तो एक प्रकार से वह प्रोड्यूस करने का कार्य करता है जो कि ऑक्सीजन के हेल्प में, वह ऑक्सीजन के थ्रू क्या होता है एक ऑक्साइड फॉर्म बनाता है और वही ऑक्सीजन लाइट को प्रोड्यूस करने लगता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लाइट को इमिट करने का कार्य करता है। जो फोटोस होते हैं उसको इमिट करने का कार्य करता है, साथ ही साथ कुछ कॉम्प्लेक्स को एक्साइट भी करता है जिसके थ्रू वह लाइट प्रोड्यूस कर सके। तो इस प्रकार मेनली जो दो एंजाइम और सब्सट्रेट पाए जाते हैं, जिसमें लूसीफरेन एंजाइम सब्सट्रेट और जो लूसीफरेज एंजाइम जो पाए जाते हैं अपने प्रोडक्शन के द्वारा लाइट को प्रोड्यूस करते हैं किसी भी फिश के बॉडी में। तो इस प्रकार ये होता है। ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर की बात। अब आते हैं हम लोग इंट्रा सेलुलर जो लुमिनेसेंस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। ये जो लुमिनेसेंस होते हैं बॉडी के इनसाइड, मतलब किसी भी बॉडी के जो सेल पाए जाते हैं उसकी इनसाइड लाइट को प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं, जिसमें ग्लैंडुलर सेल जो होता है वह लुमिनेशन जो साइट होते हैं, जो फोटोसाइट पिगमेंट होते हैं उसके अंदर पाया जाता है और यह लाइट को इमिट करने का कार्य करते हैं जो कि बॉडी के इपिडर्मिस वाले एरिया से लुमिनस ऑर्गन डेवलप होते हैं। साथ ही साथ इसकी जो लुमिनस ऑर्गन जो होता है वह डिफरेंट फैमिलीज में पाई जाती है। यदि टेलियोस्ट फैमिली की बात की जाए तो इसमें स्टेरोटिकिडी आती है, साथ ही साथ मिक्टोफाइडी आती है और ये डिफरेंट डिफरेंट जो एंगुलर फेस जो जीन्स पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैमिली में इंट्रा सेलुलर लुमिनेसेंस करने का कार्य करता है। इंट्रा सेलुलर जो बॉडी के इपिडर्मिस वाले भाग से प्रोड्यूस करते हैं लाइट को और यह बॉडी के जो फोटोसाइट होते हैं वहाँ से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं इंट्रा सेलुलर पार्ट से। अब आते हैं बैक्टीरियल लुमिनेसेंस। जो बैक्टीरियल लुमिनेसेंस एक प्रकार का टाइप्स होता है, ये जो होता है इसमें जो फोटोफोर्स पाए जाते हैं, यदि हम बैक्टीरियल ल्यूमिनेसेंस की बात करें तो इस प्रकार के जो ल्यूमिनेसेंट या जो ल्यूमिनस ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसमें प्रेजेंट होने वाले जो फोटोफोर्स जो या जो ल्यूमिनस ऑर्गन होते हैं वह लाइट को डिस्चार्ज करने का कार्य करते हैं। यह बहुत सारे डिफरेंट जीनस में जो जैसे कि फोटोबैक्टीरियम, एक्रोमोबैक्टीरियम, इसमें क्या होता है आइसोलेटेड किया गया है। पार्टिकुलरली जो जीनस पाए जाते हैं उसमें आइसोलेटेड किया गया है जो बैक्टीरियल लुमिनेसेंस होते हैं उसको, साथ ही साथ इसका जो कल्चर करके उसके ग्रोथ को देखा गया है। और यह जो स्पॉइलिंग जो फिश होते हैं, जिस जो डिसऑर्डर लाइक फिश होते हैं, साथ ही साथ जो डेड फिश होते हैं उसमें देखने को मिलता है इस प्रकार का जो लुमिनेसेंस होता है वो। ये जो बैक्टीरियल लुमिनेसेंस होता है वो किसी भी माइटोकांड्रियास के अंदर जिस प्रकार ईटीएस पाया जाता है, जो ईटीएस साइकिल होता है वह चलता है उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक उसी प्रकार जो बैक्टीरियल जो बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, ल्यूमिनेसेंस पाया जाता है वो भी एक प्रकार की ईटीएस में जो कार्य करता है उसके साथ लिंक्ड रहता है, जो उसके ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन में हेल्प करता है। अगर इसकी बात की जाए तो हम इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसमें जो एफ एम एन अर्थात फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो एक प्रकार के एंजाइम पाया जाता है वह सब्सट्रेट से मिलकर किस प्रकार से किसी प्रोडक्ट का फार्म करता है और वही प्रोडक्ट किस प्रकार से अपना फंक्शन करता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है वह रिडक्टेस फॉर्म में सीधे
एक प्रकार से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन के द्वारा जो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें जो हाइड्रोजन का आयन का क्या होता है, रिडक्शन होता है, जिसमें हाइड्रोजन के जो आयन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और वही क्या होता है, क्या होगा, जुड़ करके एक प्रकार से जो हाइड्रोजन एड हुआ है वह FMNH2 का फार्म करता है, जो कि वहाँ पर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वह बैक्टीरिया लुसीफेरेज जो एंजाइम पाए जाते हैं उसके थ्रू वह किसी भी एंजाइम और सब्सट्रेट से मिल करके एक प्रकार सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और वह कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके वही जो एंजाइम सब्सट्रेट जो कॉम्प्लेक्स होता है वह अपने आप की प्रोसेस कर करके वह डिफरेंट टाइप से लाइट को प्रोड्यूस करने लगता है। यदि इस चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पर यदि इस स्टेप से देखें हम तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, जहाँ पे जो H+ आयन आके जुड़ रहा है वहाँ पर जो H+ आयन वो क्या होता है, एक प्रकार से प्रोसेस करता है, जिसके थ्रू जो एंजाइम और जो सब्सट्रेट होते हैं वो इससे पहले कुछ मात्रा में एड होते हैं, देन उसके बाद जो वहाँ का जो एंजाइम होता है वह उस जो केमिकल रहता है, जो FMNH2 रहता है, उसके साथ वह जुड़ करके एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, और वही कॉम्प्लेक्स एक चैनल के फॉर्म में चलते हुए कुछ फैटी एल्डिहाइड साथ साथ जो ऑक्सीजन रहता है उससे रिमूव हो करके वह जो H2O रहते हैं या जो वाटर रहता है वह फैटी एसिड H2O और लाइट को प्रोड्यूस करने लगता है, और यही लाइट क्या होता है, आगे जा करके जो बैक्टीरिया में जो ल्यूमिनेसेंस बनते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम कार्य करते हैं, उसके थ्रू वह फिर से फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्म करता है, और इस प्रकार से जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो प्रोसेसर चलती रहती है और लाइट को प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो इस प्रकार बैक्टीरियल जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है वो होते रहता है। देन हम लास्ट और आखिरी यदि टाइप्स देखें तो जो आखिरी जो टाइप्स होता है केमिकल ल्यूमिनेसेंस आता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने जो लुसीफरेज और जो लुसी फेरिन नामक जो एंजाइम और सब्सट्रेट के जो बारे में पढ़ा था, तो इसमें भी कुछ केमिकल जो ग्लैंडुलर सेल्स में पाए जाते हैं, जो फोटोसाइट सेल होता है ऐसे पाए जाते हैं उसको स्टडी किया गया, तो इसमें कुछ लुसीफेरिन नामक जो सब्सटेंस पाए जाते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वह ट्रिप्टामिन और आर्जिनिन साथ ही साथ जो आइसोल्यूसिन के साथ इंडोल के फार्म में डेरिवेटिव्स होते हैं उसके फार्म में पाए जाते हैं। यदि इसकी बात की जाए तो इसमें एक प्रकार से एंजाइम पाया जाता है जो कि लुसीफरेज एंजाइम होता है, जो कि ऑक्सीलुसीफेरिन में कन्वर्ट हो करके किसी भी लाइट को प्रोड्यूस करता है या इमिट करता है। जो लुसीफेरेज होता है वह लुसीफेरिन में या ऑक्सीलुसीफेरिन में कन्वर्ट होता है और फिर लाइट को प्रोड्यूस करने लगता है, जो कि एक प्रकार से ब्लू ग्रीन क्या बोलते हैं लाइट को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इसे जो ग्लैंड सेल होते हैं इसमें लुसीफेरिन और जो लुसीफेरेज एंजाइम होता है उसको एक प्रकार से लुमिनेस ग्लैंड कहा गया है, जो कि डिफरेंट टाइप से अपना केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं उसके थ्रू वह वर्क करते हैं और लाइट को प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार टाइप्स ऑफ जो लुमिनेसेंट था, ये जो टाइप्स ऑफ जो लुमिनेसेंट ऑर्गन्स था उसके बारे में हमने देख चुका। तो जो पहले हमने देखा पहले टाइप्स में वो था एक्स्ट्रा सेलुलर लुमिनेसेंस, साथ ही साथ इंट्रा सेलुलर लुमिनेसेंस, उसके बाद हमने बैक्टीरियल लुमिनेसेंस के बारे में जाना, देन उसके बाद हमने कुछ केमिकल्स जो पाए जाते हैं उसके बारे में जाना। तो इस प्रकार जो ल्यूमिनेसेंस ऑर्गन होते हैं, जो ल्यूमिनेसेंस जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, जो लाइट प्रोड्यूसिंग पिगमेंट होते हैं वो इस प्रकार से टाइप्स में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ल्यूमिनेसेंस ऑर्गन को जो ल्यूमिनस ऑर्गन होते हैं उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, किसी भी नर्व के द्वारा, किसी भी हार्मोन के द्वारा, किसी बॉडी के एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के सिस्टम के द्वारा। तो यदि हम उसको एंडोक्राइन सिस्टम या उसके नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो उसके द्वारा किस प्रकार से कंट्रोल होता है इसके बारे में देखते हैं। तो पहला नर्वस कंट्रोल, यदि नर्वस कंट्रोल की बात की जाए तो जो नर्वस सिस्टम होते हैं वह ल्यूमिनस ऑर्गन को कंट्रोल करने का कार्य करता है और लाइट प्रोड्यूसिंग करने का कार्य करता है, जो कि बॉडी के पेरिफेरी सिंपैथेटिक नर्व होते हैं उसके द्वारा यह कार्य करते हैं, साथ ही साथ
जो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, जो कि फोटोजेनिक सेल उसके द्वारा भी यह जो नर्व पाए जाते हैं, जो इफरेंट और एफरेंट नर्व पाए जाते हैं, उसके द्वारा भी यह कार्य करने का कार्य करते हैं और लुमिनस ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात आती है हार्मोनल कंट्रोल। तो हार्मोनल कंट्रोल में जो एंडोक्राइन ग्लैंड आते हैं, जो कि जिसमें मेनली जो एड्रिनल और नॉन एड्रिनलिन या जो इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन जो ग्लैंड होते हैं, वो मेनली कंट्रोल करने के कार्य करते हैं किसी भी फोटोफोर्स से लाइट को इमिट करने की प्रोसेस को। तो इस प्रकार हार्मोनल कंट्रोल में आता है। देन हम मैकेनिकल कंट्रोल की बात की जाए, तो जो मैकेनिकल कंट्रोल होता है वह उसके बॉडी के सिस्टम, जो मस्कुलर सिस्टम हो, उसके द्वारा यह प्रोसेस को बढ़ाते हैं, जिसमें जो फोटोफोर्स होते हैं वह मसल्स के नीचे पाए जाने के कारण, ये जो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब मसल सारे ज़्यादा जब रिफ्लेक्ट होते हैं, तो कुछ मात्रा में क्या होते हैं, लाइट को कंसल्ट करने का कार्य करते हैं या उसको गुप्त रखने का कार्य करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी यदि हमारा प्रीडेटर आता है, तो उसे हम छुपने के लिए क्या होते हैं, जो बॉडी से जो लाइट निकल रही है, जो इल्यूमिनेशन हो रहा है, उसको हम लोग प्रिवेंट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार फिश भी जो बॉडी से कुछ लाइट जो निकल रहती है, तो उसकी बॉडी से उसको वह छुपा लेता है, कंसल्ट कर देता है, जिसके कारण वह अपने प्रीडेटर से बच जाता है, उसके डेंजर से बच जाता है। इस प्रकार जो डिफरेंट प्रकार के जो टिश्यूज पाए जाते हैं, वह डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो फिश में जो फोटोफोर्स पाए जाते हैं, फोटोसाइट्स पाए जाते हैं, वह उसके लुमिनेसेंस ऑर्गन के फॉर्म में होते हैं, जिसमें जो फोल्ड होते हैं वो ब्लड टिश्यू के फॉर्म में होते हैं। साथ ही साथ ये फोल्ड क्या करते हैं, कुछ प्रकार से लाइट को कंसल्ट करने के साथ साथ लाइट को प्रोड्यूस या फोटोफोर्स को ड्रॉ भी करते हैं, या उसको मतलब बताते भी हैं। साथ ही साथ यह किसी भी पिगमेंट या जो क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, उसके पिगमेंट में मूवमेंट के द्वारा उसके बॉडी के जो लाइट होते हैं उसको प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो इस प्रकार इसका मैकेनिकल कंट्रोल किया जाता है। आप देखते हैं जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है उसको, तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को देखने देख तो पहला आता है वो होता है लुमिनेट सराउंडिंग। तो जो ये जो उसके सिग्निफिकेंस के आधार पर देखें, तो यह डीप सी फिश में स्पेशली रूप से मेराइन जो फिश होते हैं उनमें वेराइटी के आधार पर उनको बांटा गया है। तो ये अपना कार्य करते हैं जिस प्रकार से इल्यूमिनेट सराउंडिंग एक प्रकार से नाम दिया गया है। तो चारों तरफ के जो उसकी लाइट प्रोड्यूसिंग की जो क्षमता होती है, वह एक मेनली हेल्प करता है किसी भी फिश को, डीप सी फिश को अडॉप्ट होने के लिए और अपने फूड को सर्च करने के लिए। तो इसमें वही बताया गया है कि जो फिश होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट या जो लुमिनस ऑर्गन होता है, उसका उपयोग किसी भी फूड को सर्च करने के लिए और अपने प्रीडेटर से बचने के लिए, अपने प्रे को खोजने के लिए, इस अपनी जो जो एडाप्टेशन की प्रोसेस होती है उसको चलाने के लिए, यह अपने सराउंडिंग और या उसके अपने चारों ओर क्या होता है, लाइट को इल्यूमिनेटेड या लाइट प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं। और स्पेशली रूप से यह दूसरे दूसरे प्रकार के जो प्लैंकटॉन होते हैं, उनको उनके क्रिएचर को बनाने के लिए, साथ ही साथ कैच करने के लिए भी कार्य करते हैं। और इस प्रकार डिफरेंट प्रकार से यह लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक प्रकार से चीक ऑर्गन जो होते हैं फिश का, उसमें क्या होता है, टॉर्च के फॉर्म में यह प्रोड्यूस करते हैं लाइट को। तो इस प्रकार बॉडी के जो सराउंडिंग पार्ट से लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा सिग्निफिकेंस ये होता है कि एक प्रकार से डिफेंस डिवाइस के रूप में कार्य करता है। डिफेंस डिवाइस कहने का अर्थ ये होता है कि जो फिश होते हैं वो अपने प्रीडेटर से बचने के लिए भी एक प्रकार से डिफेंस का कार्य करते हैं, जो कि प्रीडेटर से बचने तथा उसके प्रति अटेंशन होने के लिए भी हेल्पफुल होता है, जो लुमिनेसेंस ऑर्गन होता है। साथ ही साथ ये जो होता है एक प्रकार से किसी भी अपने जो प्रीडेटर होते हैं उसको कंफ्यूज करने में भी हेल्प करते हैं, जो कि किसी भी फिश को छोड़ने तथा उसके पकड़ने में हेल्पफुल होते हैं, जो लुमिनेंस ऑर्गन होते हैं। इस प्रकार जो लुमिनेंस ऑर्गन होता है वह कुछ कंडीशन में हेल्पफुल भी होता है और कुछ कंडीशन में यह छुपाना भी पड़ता है। तो यह डिफरेंट डिफरेंट जो फार्म होते हैं वो अपने अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म के थ्रू ये वर्क करते हैं। और यह बॉडी के वेंट्रल सरफेस में, जो कि बैकग्राउंड लाइटेड जो उसके ऊपर होते हैं, उसमें पाए जाते हैं और अपना वर्क करते हैं। जो तीसरा होता है एक प्रकार से वार्निंग सिग्नल, जो
हाँ, लुमिनस ऑर्गन होते हैं, वह एक प्रकार से वार्निंग सिग्नल को भी प्रोड्यूस करते हैं या वार्निंग सिग्नल को भी रिसीव करते हैं, क्योंकि जो प्रीडेटर होते हैं जब अपने प्रे को खोजते हुए आते हैं तो उससे वार्म करने के लिए, वार्न करने के लिए यह एक ऑर्गन हेल्प करता है जो कि किसी भी फिश को बचाने का कार्य करता है अपने डेंजर से। इस प्रकार यह वार्निंग सिग्नल को भी के रूप में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ अपने खुद के स्पीशीज को खोजने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए भी हेल्प करता है, जो बायोलुमिनेसेंस या जो लुमिनस ऑर्गन होता है, जो कि डिफरेंट टाइप से जो डिस्ट्रीब्यूट हुए अपने सेम स्पीशीज के जो बॉडीज होते हैं उनको क्या होते हैं यह रिकॉग्नाइज करने का भी कार्य करते हैं। तो यह मेनली हेल्प करते हैं स्कूलिंग फॉर्म में, मतलब एक प्रकार से शिक्षा देने में कि वह अपने बिहेवियर को किस प्रकार से प्रदर्शित करें उसके फॉर्म में। साथ ही साथ जो कर्टोसिप की जो प्रोसेस होती है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है मेल और फीमेल में, उनको मतलब पूरा करने के लिए यह एक प्रकार से लुमिनस ऑर्गन हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ कुछ प्रकार से जो छोटे साइज के फिश होते हैं उसको खोजने के लिए, अपने स्पीसीज को खोजने के लिए, यह सेल्फ स्पीसीज को खोजने के लिए अपने आप में यह एक प्रकार से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जो ल्यूमिनस ऑर्गन होता है उसका सिग्निफिकेंट रोल यही होता है। तो इस प्रकार जो ल्यूमिनस ऑर्गन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता है और अपनी फंक्शन के आधार पर वह फिश में हेल्पफुल ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वह यहीं पर ये कंप्लीट होता है। जो ल्यूमिनेसेंस ऑर्गन था, जो ल्यूमिनस ऑर्गन था वह किस प्रकार से अपनी प्रोसेस, अपनी मैकेनिज्म को कंप्लीट करता है इसके बारे में हम आज ने देखा। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के सिग्निफिकेंस है, उसके फंक्शन है, उसके टाइप्स हैं, और उसके किस प्रकार से जो फोटोसाइट, जो फोटोफोर्स पाए जाते हैं वो किस प्रकार से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं किसी भी फिश के बॉडी में, इसके बारे में हमने आज जाना। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। धन्यवाद।